से कम 10 दिन हो चुके हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग हो चुका है था, तो एक अच्छा रूटीन बन गया था कि सुबह 6:20 पे वैन आ रही थी और वही 1 बजे तक बच्चा घर पे आ रहा था, तो एक अच्छा रूटीन बन गया है। बट अभी ये 2 दिन के लिए और है, उसके बाद से स्कूल बंद हो जाएंगे और बच्चे घर पे ही अपना समर वेकेशन एंजॉय करेंगे। देखते हैं हम भी कहीं जाएंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगी। हरमन आ चुका है स्कूल से और अभी बज रहे हैं इवनिंग के 4 बज रहे हैं। लंच वगैरह हम कर चुके हैं और शाम के जो मैंने सुबह ये कपड़े धोए थे उनको भी तय लगा के मैं रख रही हूँ। और अब क्या है कि कुछ दिन और स्कूल जाना है, बस 1-2 दिन और जाना है तो फिर समर वेकेशंस आ जाएंगे। और उससे पहले हरमन की है आइसक्रीम पार्टी, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड है वो। तो उसको पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब 6th स्टैंडर्ड में हो गया है तो आई थिंक उसको पार्टी नहीं मिलेगी, तो वो थोड़ा इस चीज़ के लिए अपसेट था। बट जब स्कूल से मैसेज आया कि ये पार्टी सभी बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी तो वो बहुत खुश हुआ और मुझे अपना बता रहा था घर आके, देखो मम्मी अब हमारी भी पार्टी होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब 2 दिन और स्कूल जाना है तो बस थोड़ी सी और गर्मी में परेशानी है, फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल कुछ प्लान हुआ नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा चल रहा है कि पेंडिंग में है, कहीं जाना है कहीं जाना है बट पता नहीं कहाँ जाना है। तो अभी घर में ही इंजॉय कर रहे हैं। वैसे देखते हैं नानी के घर तो जाके ही आएंगे क्योंकि छुट्टियों में ही जाना होता है, वैसे तो जाना होता ही नहीं है। एक ना मुझे यहाँ बालकनी में आके बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो आप सब सोच रहे होंगे मैंने चेयर मुड्डा वगैरह क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने जब वाटरिंग करती हूँ तो यहाँ से धुलाई कर देती हूँ और धुलाई करने के बाद फ़र्श पे बैठने का आनंद ही कुछ और आता है। तो चलिए जी, मैं आज बना रही हूँ एक स्पेशल सब्जी जिसे कि घिया कहते हैं, घिया, लेकिन किसी को पसंद नहीं आती है। घिया को एक न्यू टेक्सचर में बना रही हूँ, बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल एक बहुत फैंटास्टिक इसका टेस्ट आता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस पतली पतली स्लाइस में एक इस घिया को काटना है गोल गोल, और बस ऊपर से हल्दी नमक धनिया और लाल मिर्च दही और बेसन के साथ इसको कोट करके। सब्जी बनती है मैरिनेशन से तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये मैंने बिल्कुल दही डाला है इस पे अभी और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और यहाँ 2 चम्मच के करीब बेसन डाल रही हूँ मैं और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो इसको छोड़ देते हैं, रख देते हैं साइड में और तैयारी कर लेते हैं अब मसाला बनाने की। तो इसके अंदर जाएंगे 4 से 5 प्याज मीडियम साइज़ के और 4 टमाटर, आप अपनी चॉइस के अनुसार मसाला ले सकते हैं। तो मैंने 5 प्याज 4 टमाटर 3-4 हरी मिर्चें और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं और इनको रफली चॉप कर लूँगी क्योंकि मुझे इन्हें मिक्सी में पीसना है। अब सबसे ज़रूरी काम, जो मैंने घिया को स्लाइस करा है उसको जो मैरिनेशन किया था, आधा घंटा उसे हो चुका है रखे हुए, तो मैंने तवे लिए हैं 2 और इन पे ऑयल ग्रीस किया है और उसके बाद इन्हें पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे क्योंकि ये इस टाइम ही अच्छे से हमें सेकने हैं, नहीं तो हमें सब्ज़ी में कच्चे अगर रह गए तो सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसी टाइम हमें इसे ढक के और मीडियम आँच पर अच्छे से पकाना है। और मैंने यहाँ लिया है मसाले में ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 4 से 5 लौंग हैं और 10-12 काली मिर्च हैं, और खड़े मसाले आप जो अपनी पसंद का चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं कढ़ाई में सरसों का तेल
तो मैं अभी तेल चढ़ाया है तो मैंने सोचा चलो पापड़ उतार लेते हैं कुछ, तो पापड़ लेंगे मैं और हरमन, और हस्बैंड आएंगे जब शाम को तो उन्हें भी दे देंगे। अभी फ़िलहाल हम चाय के साथ पापड़ ले रहे हैं। हरमन को दूंगी दूध और मैं लूंगी चाय। अब ये ऑयल एकदम हॉट गर्म है तो मैंने इसमें खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। इधर ऐड कर रही हूँ प्याज और लहसुन का पेस्ट, जिसमें अदरक भी है 1 इंच का टुकड़ा, और इन्हें अच्छे से भूनते हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें अच्छे से फ्राई करते हैं। हो चुके हैं ये, और अब इसके अंदर ऐड करते हैं अपने हल्दी, धनिया और लाल मिर्च, और इन्हें अच्छे से भूनते हैं। मसाला जब तेल छोड़ देगा उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे अपने टमाटो प्यूरी। तो मसाले ने तेल छोड़ दिया था मैंने, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है जिससे कि जो मसाले वगैरह हैं जो जले ना और तेल रिलीज़ कर दे अपना। तो अच्छे से इन्हें अभी भूनना है, बहुत अच्छी तरीके से इन्हें भूनना है। और अब इसके अंदर डाल देते हैं अपनी हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट, और बस इन्हें अब ढक ढक के इनका अच्छे से पकाना है इसको। इसी टाइम इसमें ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। अब इसके स्वाद को और भी बेहतरीन बनाने के लिए इसके अंदर जाएगा दही। दही आप घर का ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा खट्टा ना हो और बिल्कुल फ्रेश दही हो, तो उससे एक बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस होके आता है। तो आप इसके अंदर दही डालें, और अगर पॉसिबल है तो आप इसके अंदर आप क्रीम डाल सकते हैं। ऐसे क्रीम की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारा दही है वो बहुत अच्छा टेक्सचर लाता है सब्जी के अंदर। थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद अपनी सब्जी को इसके अंदर ऐड कर देंगे, और फिर कसूरी मेथी और धनिया डाल के गार्निश करेंगे। तो लीजिए हमारी सब्जी तैयार है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है, तो मैं अगले दिन बना रही थी आलू के पराठे, जो कि मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत ही यम्मी और अच्छी रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने बनाए हैं आलू, बॉईल कर लिए और उनको अच्छे से मैश करके साइड में रख दिया है, और मैंने प्याज काटे हैं बिल्कुल बारीक बारीक, और कुछ हरी मिर्चें वो भी बारीक बारीक काटी हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और साथ में मैंने कुछ मसाला तैयार करा है तो उसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुछ भी काम कर रहे हो सबसे पहले सफाई सबसे पहले होती है, तो वो भी ज़रूरी है साथ साथ होना, इसी से घर मैनेज रहता है और बार बार घर फैलता नहीं है। तो ये टिप्स तो हमें लाइफ में अवश्य ही फॉलो करनी चाहिए हमेशा, कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो साथ साथ सफाई का ध्यान रखें, तो इससे काम कम फैलेगा और हमारा काम जल्दी भी होगा। तो मैं यहाँ ले रही हूँ स्पाइसेस में कुछ मसाले, जिसमें मैंने ऐड किया है नमक, ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और साथ में मैंने लिया है जीरा, लाल मिर्च, धनिया, हींग और जीरा ये, और आप इसके अंदर अदरक किस के डालें उससे हमें गैसेटिक प्रॉब्लम नहीं होती है, और हींग वगैरह भी लेते हैं हम तो उससे भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आलू के पराठे में हींग अदरक ज़रूर डालें, इससे स्वाद भी बढ़ेगा, और आप चाहें तो कसूरी मेथी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने कसूरी मेथी भी डाली है और धनिया भी ऐड किया है। बस अब कुछ और नहीं करना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है, और अपने हमें आटा एकदम सॉफ्ट लगाना है जिसके हमारे ये पराठे टूटे ना, तो हमें एकदम बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है, और उसमें पराठे का मिश्रण ये भर के अच्छे से बेल के पराठे सेकने। तो आप चाहें तो ये पराठे घी में भी सेक सकते हैं, तेल में भी सेक सकते हैं, तो किसी तरह से आप सेक के खाना चाहें वैसे खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं।
सभी पराठे मैंने सेक लिए हैं, नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक ये छोटा सा रैक मैंने खरीदा है जिसमें कुछ भी छोटा मोटा सामान इजीली रख सकते हैं, बहुत सारा कुछ भी हम सामान रख सकते हैं, तो मैंने इसको विंडो में हैंग किया है जिससे कि इस तरीके से लगाया कि ये स्पेस भी नहीं घेरेगा और अच्छे से टंगा रहेगा एक जगह। तो ये मुझे आइटम बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे परचेज कर लिया। फ्राइंग पैन, मास्टर शेफ़ का फ्राइंग पैन है ये, तो ये मैंने परचेज किया था। Hope you all are like my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching till the end. Please stay tuned, stay connected. Bye bye. Thank you for watching.